महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ तो दूसरी तरफ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी का मेगा मंथन चल रहा है। रविवार को बीजेपी के दिग्गज नेताओं का हैदराबाद में मेगा मंथन चला। वहां बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। वंशवाद के मुद्दे पर बीजेपी विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रामक है, तो वहीं अब इसे लेकर तेलंगाना में सियासी उबाल है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा कि हमारे पास 104 विधायक हैं और बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र की तरह सरकार गिरा देंगे। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि एक बार गिरा कर देखिए, हम आपकी दिल्ली की सरकार गिरा देंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि डरा धमका कर कितनों को डराओगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला। केसीआर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को ताक पर रखकर 7 राज्यों की सरकार गिरा दी। नरेंद्र मोदी से पहले 14 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी ने भी देश को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप प्रधानमंत्री नहीं, अपने साहूकार दोस्त के सेल्समैन बनकर रहे। केसीआर ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि आपकी गलत नीति की वजह से कितनी कंपनियां देश छोड़कर चली गईं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि रुपए का भाव इतना नीचे आखिर क्यों गिर गया। आपको बता दें कि केसीआर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आज तक। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट, वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।